शांति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रगतिशील किसान रामजीलाल मीणा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मन में कुछ करने की चाह हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हमारे प्रगतिशील किसान रामजीलाल मीणा ने। किसान भाइयों, इन्होंने परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती को अपनाकर अपने आय में वृद्धि प्राप्त की है। तो चलिए आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रगतिशील किसान ग्राम गुणावता तहसील आमेर निवासी रामजीलाल मीणा ने, जिन्होंने सही जानकारी और अपनी मेहनत से एक मिसाल पेश की है। रामजीलाल मीणा परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती भी कर रहे हैं। परंपरागत खेती में वे गेहूं, जौ और चने की खेती कर रहे हैं, साथ ही आधुनिक तरीके से खेती में टमाटर, स्ट्रॉबेरी और अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। सर, परंपरागत खेती के अंदर मैंने गेहूं, जौ और चने बो रखे हैं। 4 बीघे जो बो रखे हैं और 6 बीघा गेहूं बो रखा है। सिंचाई मैंने फुहारों से कर रखी है जो परंपरागत खेती में। आधुनिक खेती में फलों के अंदर मैंने नींबू, आंवला और 600 प्लांट स्ट्रॉबेरी को लगा रखे हैं। इन्होंने नवाचार करते हुए 5 फीट लो टनल लगाकर नींबू के साथ खाली जगह में टमाटर की फसल लगा रखी है, जिसमें अब फल भी आने लगे हैं। किसान भाइयों, मैंने अपने खेत में टमाटर बो रखा है अभी समय, और टमाटर के लिए मैंने मौसम के जो सर्दी के बचाव के लिए कुछ अपनी तकनीक अपना रखी है। तो पहले तो मैंने टमाटर के लिए मल्चिंग लगाई, मल्चिंग लगा के फिर ट्रांसप्लांट पौधों का किया। पौधों का ट्रांसप्लांट करने के बाद में मैंने उसकी सर्दी से बचाव के लिए लो टनल तार और बाँस के सहारे से लगाई और लगभग 5 फीट ऊंचाई पर लगाई, जिसका कोई भी मतलब ठंड का उस पर कोई असर नहीं हो। नीचे में लो टनल नीचे नहीं लगाई, 5 फीट ऊंचाई पर लगाई, जिससे पौधे पे कोई नुकसान नहीं हुआ और सर्दी में बिल्कुल सुरक्षित है, कोई प्रकार की नुकसान नहीं है। और अब वो अपने जो ही गर्मी शुरुआत होगी और अपना वो प्रोडक्शन चालू कर देगा। अभी वो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग पे है। रामजीलाल मीणा ने अपने खेत पर प्याज के बीज भी तैयार कर रखे हैं, जिससे पौध तैयार कर प्याज की खेती करेंगे। रामजीलाल मीणा मल्टीलेयर फार्मिंग अपनाकर दोहरा लाभ कमा रहे हैं। टमाटर की फसल लेने के बाद वे इसमें बैंगन एवं मिर्च की खेती करेंगे, जिसकी इन्होंने पौध भी तैयार कर रखी है। इससे यह है कि एक साथ में जो खाली पड़ी जमीन का सही ढंग से यूज आ जाएगा, जो उस जो फ्लोरिंग के जो ये पेड़ जो फूलों के ये जो पौधे होते हैं ना, इन पे फसल में उत्पादन में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, इसलिए बीच बीच में
मल्टी लेयर की जो खेती होती है वो लगा रखी है मैंने। जैसे टमाटर के साथ में जो नींबू का पौधा है तो इसमें दोहरा फायदा हो रहा, टमाटर भी ले रहा हूँ और नींबू भी उत्पादन ले रहा हूँ, तो इसमें मेरे को कोई प्रकार का परेशानी नहीं है और उत्पादन दोनों का डबल हो रहा है। नींबू से भी फायदा हो रहा है और टमाटर से भी फायदा हो रहा है। अब टमाटर की फसल ख़त्म हो जाएगी तो मैं अब गर्मी के लिए इसमें बैंगन की पौधे लगा के तैयार कर रहा हूँ, वो बैंगन और मिर्ची लगाऊंगा बीच में, टमाटर की जगह हटाते फिर इनको बैंगन लगाऊंगा। रामजीलाल मीणा ने नवाचार करते हुए इस बार स्ट्रॉबेरी की खेती की है। उन्होंने स्ट्रॉबेरी के करीब 600 पौधे लगाए हैं जिसमें फल आना भी शुरू हो गए हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती मैंने की है तो अभी मेरा शुरुआत ही है, स्ट्रॉबेरी में तो पहली बार ही की है और प्लांट मेरा 100% सक्सेसफुल हो गया, एक भी प्लांट गया नहीं। पूरे जितने पौधे मैंने 600 लगाए थे 600 के 600 सक्सेस है और अब उनमें फ्लोरिंग भी चालू हो गई और कोई प्रकार का नुकसान नहीं है और पौधे स्वस्थ है और अब प्रोडक्शन देखो कैसा क्या रहता है। बाकी ये नवाचार है मेरे लिए। इन्हें अपने खेतों पर नींबू और आंवला के पेड़ों से अच्छी आमदनी हो जाती है। नींबू और आंवला को बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता बल्कि खरीदार उनके खेतों पर ही आ जाते हैं। मैंने अपने खेत में 200 पेड़ आंवले के लगा रखे हैं जिसमें 100 पेड़ तो लगभग 10-12 साल पुराने हैं और 120 पेड़ 3 साल पुराने हैं जो अभी उनमें फ्रूटिंग शुरुआत नहीं है और जो बड़े वाले पेड़ है उनमें फुल फ्रूटिंग है और उसमें मैंने कोई ही रसायन का यूज नहीं लिया, केवल जैविक उत्पाद है वो और उसका मैं बढ़िया प्रोडक्शन होता है और अच्छा मार्केट मिलता है और उसको मैं खेती को ठेके पे दे देता हूँ, मेरे को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ठेकेदार है अपने यहाँ आके तोड़ ले जाता है और उससे मेरे को अच्छा मुनाफा होता है और लगभग एक पेड़ से 3,000 रुपये के लगभग पैदा हो जाती है मेरे को और ये परंपरागत खेती से कई गुना बढ़िया है। जो फ्रूट का पौधा लगाया मैंने आंवले का तो मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा पैदावार दे रहा है। इसके अलावा जो मैंने 600 पेड़ नींबू के लगा रखे हैं वो कुछ तो 3 साल का पौधा है, एक 5 साल का पौधा होने का आ गया, जो 5 साल के फूलों फुटरिंग होने लगी जो अच्छा उत्पादन दे रहा है मेरे को और उसके लिए भी मैंने मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को यहीं से खेत से ले जाते हैं, ठेकेदार आता है और वो अपने ठेके के हिसाब से वो नींबू और आंवला दोनों खेत से खरीद लेता है और मेरे को मार्केट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं मार्केट मेरा अपने खेत से ही बेच रहा हूँ माल को। रामजीलाल मीणा खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुओं के गोबर से वे जैविक खाद तैयार कर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद तैयार करने के लिए वे 3 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा बेड तैयार कर उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। और परंपरागत खेती के अंदर मैं गेहूं और जो बो रखे हैं अपने घर के आवश्यकता के अलावा जो बचता है जो सब बाजार में दे देता हूँ और इसमें मैं रसायन का कोई यूज नहीं लेता हूँ, जैविक खेत काम कर रहा हूँ और इसमें मैं जो भी कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं उनका भी बीच बीच में लाभ लेता रहता हूँ। जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है जो बना रखा है, उसके अलावा मैंने डी कंपोस्ट के लिए खाद तैयार कर रखा है। वर्मी कंपोस्ट मैं पहले पक्का निर्माण किया 3x7 फीट का और उसमें 2.5 फुट ऊंचाई के बना के उसमें भैंस और गाय का गोबर डाल के 20 दिन तक उसको वैसे ही रखा, फिर उसमें पानी डाल के उसका टेम्परेचर डाउन किया और जो ही उसका तापमान कम हुआ उसमें मैंने 2.5 किलो काचवे छोड़े। काचवे छोड़ने पे वो 3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और फिर उनको अपन खेती में कुछ भी काम में ले लेते हैं तो वो इस जो नॉर्मल खाद होता है उससे कई गुना बढ़िया काम करता है। जैविक रसायन के अंदर जो ये अपन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए मैं एक काम ले रहा हूँ, जैसे छाछ और आंवला
और धातु में तांबा लोहा पीतल उनका एक जगह डाल के और एक महीने तक रख के फिर उनका स्प्रे करता हूँ, जो सूक्ष्म तत्व है पोषक जो पत्तियों के द्वारा जो अपन को पौधों को देते हैं वो तैयार हो जाता है उसमें लगभग एक महीने के बाद में उनका स्प्रे करें तो वो जो मिनिमम जो पोषक तत्व है उनको वो पौधा ले लेता है और पौधे पे शानदार ग्रोथ होती है और अच्छा रिजल्ट देता है वो। रामजीलाल मीणा रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। वे जैविक कीटनाशकों को अपने खेत पर ही तैयार करने के लिए ऐसे पौधे जिनको पशु नहीं खाते हैं जैसे आक, धतूरा, नीम, अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। इनसे जैविक कीटनाशक तैयार करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर जैविक कीटनाशकों का छिड़काव अपनी फसलों पर करते हैं। जैविक खाद जो तैयार कर रहा हूँ जैसे सरसों की खली और जैसे कीड़े जो ये रस चूसने कीड़े हैं उनको हटाने के लिए मैंने जो पत्तियाँ होती है पत्तियाँ जिसको जैसे आंकड़े धतूरे खींप नीम ये जो भी पत्तियाँ हैं जो जिसको जानवर नहीं खाता है उन पौधों की पत्तियों को 10-15 दिन तक सड़ा के उसका स्प्रे करो, कोई भी कीट पौधों को नहीं खाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये विधियाँ मैं अपना रहा हूँ और इससे मेरे को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, कोई प्रकार की मेरे को रसायन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है पौधों में। ये डीकम्पोस्ट जो खाद होता है जो सड़ाने के लिए गोबर की खाद को जो कचरा होता है सड़ा आ रहा है उनको सबको सड़ा देता है और फिर उसको अपन खाद के रूप में काम लेते हैं तो उसमें दीमक नहीं लगती है और वो जो भी खाद है वो तुरंत ही काम करने लग जाता है। और ये जैसे कच्चा गोबर डालते हैं वो कई दिन बाद में जाके काम करता है और जो डीकम्पोस्ट किया हुआ खाद तुरंत ही चालू खाद का रूप ले लेता है। रामजीलाल मीणा ने आगे की फसल लेने के लिए खेत तैयार कर लिया है। आने वाले समय में वे इस खेत में तरबूज, टमाटर और ककड़ी की खेती करेंगे। किसान भाइयों, जो मैंने जो खेत खाली रख रखा है अब गर्मी की फसल के लिए तो उसमें जो गर्मी में जो आने वाली फसल है जैसे मतीरे, काकड़ी, खरबूजे तो इनके लिए मैंने ये रख रखी है और अब इसके 10-5 दिन में बुआई करूँगा और साथ में जो टमाटर लगाऊंगा, मिर्ची लगाऊंगा उसके लिए मैंने पौध तैयार कर ली है। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।